नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। अनुष्का शर्मा जीरो में आखिर बार नजर आई थी और उसके बाद से बहुत बिजी है। किस चीज में? खुद प्रोड्यूसर बन गई हैं और एक से एक बेहतरीन चीजें लेकर आ रही हैं। राजीव मसंद से लास्ट टाइम जब उनके इंटरव्यू में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि उनके पास 8 प्रोजेक्ट हैं और बारी बारी से उनके पे काम कर रही हैं। प्रोड्यूसर बन के उनको अच्छा भी लग रहा है और उनमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट आया भी था अमेजोन प्राइम पर, पाताल लोक, और बहुत ज़बरदस्त कामयाबी भी इस वेब सीरीज़ को मिली है। और अब इसकी दूसरी वेब सीरीज़ जो है, दूसरा सीजन जो है, उसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी 24 जून से नेटफ्लिक्स पर उनकी एक और वेब सीरीज आ रही है, वेब फिल्म आ रही है। खास क्या है इस फिल्म में? सुपर नेचुरल ड्रामा है और आजकल हम देख रहे हैं सुपर नेचुरल ड्रामा जो है नेटफ्लिक्स पे बहुत आगे तक जा रहा है। तो क्या है बुलबुल की कहानी, ये आपको बताऊंगा। बुलबुल का जो फर्स्ट लुक है वो आउट हो गया है, आपने देखा ही होगा, एक लड़की उल्टे पांव दौड़ रही है जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। तो क्या है ये कहानी, चलिए आपको बताते हैं। अनुष्का शर्मा की क्लीन स्लेट प्रोडक्शन जो है उसका ये प्रोजेक्ट है बुलबुल। ये एक पीरियड ड्रामा है जो कोलकाता में शूट हुआ, मतलब कोलकाता का एक पीरियड ड्रामा है। स्टोरी जो है ये एक सुपर नेचुरल पावर वाली गर्ल और उसके विश्वास पर घूमती रहेगी। इसमें स्टार कौन कौन है? इसमें स्टार हैं अविनाश तिवारी, तिरुपति और राहुल बोस भी हैं, पालियो दाम भी हैं और बहुत सारे बड़े बड़े नाम इसमें आपको नजर आएंगे। कहानी क्या है? कहानी ये है कि सत्या नाम का एक जो आदमी है वो गांव में वापस आता है और आकर देखता क्या है, आकर देखता है कि उसकी जो भाई है, उसकी एक वाइफ है, जो चाइल्ड वाइफ है, बच्ची है, वो जो है अबेंडेंड है, गांव में छोड़ दिया गया है उसको। और वो गांव में सेवा कर रही, काम कर रही है, दूसरों के घरों में जा जाकर ऐसे घूमती फिर रही है। और उसको रियलाइज होता है धीरे धीरे कि इस लड़की में पावर है, सुपर नेचुरल। और उसके बाद ये कहानी आपको चलती हुई नजर आएगी। तो ये वेब सीरीज है, थोड़े दिन पहले हमने देखी थी, बेताल भी शाहरुख खान की आई थी, रेड चिली को भी इसमें टैग किया गया है। अनुष्का शर्मा ने खुद इस फोटो को शेयर किया है फर्स्ट लुक को, उन्होंने लिखा है, हेयर इज योर फर्स्ट लुक एट बुलबुल, ए फंटेस्टिक टेल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी एंड जस्टिस, रैप्ड इन लव, मिस्ट्री एंड इंट्रीग। जी हाँ, कमिंग सून ऑन नेटफ्लिक्स इंडिया, कांट वेट टू शेयर मोर। ऑफिशियल जो इनकी क्लीन स्लेट फिल्म है उसको भी टैग किया है और बहुत सारे लोगों को इसमें टैग किया गया, रेड चिली को भी टैग किया गया, क्योंकि स्पेशल इफेक्ट जितने भी है इस फिल्म के वो सारे रेड चिली प्रोडक्शन हाउस में बने हैं। बहुत मोटा धंधा है रेड चिली का। तो आजकल हम देख ही रहे हैं अनुष्का शर्मा काफी सालों से खुद की फिल्में भी प्रोड्यूस करती हुई नजर आ रही है। 2018 में जीरो में लास्ट बार नजर आई थी, उसके बाद खुद के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भूत, आई थिंक एक भूतिया फिल्म भी उनकी आई थी, परी, जी हाँ परी आई थी, फिल्लोरी आई थी, इससे पहले एनएसएन आई थी। तो क्राइम इनको बहुत पसंद है और सस्पेंस, ड्रामा, थ्रिलर, इसके साथ साथ भूत भी इनको पसंद है। तो इस पर ये बना रही है सुपर नेचुरल ये सीरीज होगी। अब देखना ये है कि जिस तरीके से पाताल लोक कामयाब रही है, क्या ये सीरीज जो है बुलबुल, ये भी वेब फिल्म सॉरी, क्या ये भी कामयाब होगी? बड़ी बात यही है। अभी तक जो देखने को मिला है, बहुत छोटा सा जो इसका इंट्रो एक किस्म से हम देखेंगे, जो शुरुआत हुई है बुलबुल की, मोशन पिक्चर जो आया है इसका मोशन पोस्टर, उसमें देखकर ये लग रहा है कि कुछ तो डरावना होगा। वैसे इंडियन जो भी क्रिएट करते हैं डरावना, इतना डरावना होता नहीं है, मजाक बन के रह जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि परी के बाद कुछ ना कुछ सीखकर अनुष्का ने इसमें और ज़्यादा काम, मेहनत किया होगा और एक अच्छा प्रोजेक्ट अनुष्का का हमें देखने को मिलेगा।